वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उद्योगपति के झा के नेहरू नगर स्थित आवास पहुंचे। यहां मुकेश चंद्राकर का ढोल नगाड़े और आतिशबाजियों से भव्य स्वागत किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उद्योगपति के झा के निवास में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर के स्वागत का सिलसिला शुरू हुआ तो लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। सर्वप्रथम उद्योगपति के झा ने फूल मालाओं से मुकेश चंद्राकर का स्वागत किया। तत्पश्चात कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। नेहरू नगर रेसिडेंस एसोसिएशन औद्योगिक संगठनों से जुड़े उद्योगपति, मैथिल समाज के पदाधिकारियों सहित नेहरू नगर के नागरिकों ने मुकेश चंद्राकर का स्वागत किया। अपने उद्बोधन में उद्योगपति के झा ने कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर को कर्मठ, जुझारू एवं ईमानदार बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमें एक बेदाग छवि वाले पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में दिया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भारी बहुमत से मुकेश चंद्राकर को विजयी बनाएं। वरिष्ठ नेता बृजमोहन सिंह ने कहा कि पिछले 3 दशक से मुकेश चंद्राकर राजनीति के क्षेत्र में है। मानव सेवा और कल्याण के क्षेत्र में उन्होंने चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों की सेवा की है। कांग्रेस पार्टी में जब भी उनकी जरूरत पड़ी उन्होंने दमखम के साथ पार्टी का काम किया। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर ने कहा कि इतने लोग यहां इकट्ठा हुए हैं इसे देखकर उन्हें काफी प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 3 दशक से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पार्टी ने जब भी जो कहा, जिम्मेदारी दी, उसका निर्वहन उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। अब पार्टी ने टिकट देकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 6 बजे से शुरुआत होती है, 8 बजे घर से रात को 12-1 बजे तक पहुँचना होता है। 6 दिन के रूटीन चल रहा और आज 3रा दिन है हम लोगों का जनसंपर्क का। तो 3 दिन में हम लोगों ने देखा कि जो हमारी जनता है वो हम लोगों पर पूरा विश्वास कर रही है। बड़े उत्साह के साथ हम लोगों को हर वार्ड में, हर गली में हमको बहुत आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उद्योगपति और कांग्रेस नेता के झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मुकेश चंद्राकर, सबसे पहले क्या होता है, कैंडिडेट लेकर कोई विवाद होता है, मुकेश चंद्राकर के नाम आने से वैशाली नगर में बहुत सब में हर्ष और उल्लास रहा कि एक अच्छा कैंडिडेट आ गया, क्योंकि सब कुछ मिलना, कैंडिडेट अच्छा मिलना ये बहुत भाग्य की बात है। आज वैशाली नगर की जनता को ये भाग्य से ऐसा कैंडिडेट मिला जिस पर कोई दाग नहीं है और ना बरगोला है, स्पष्ट रूप में ना कोई बरगोला है और सांस से ऐसा कोई काम भी नहीं करते। आज आप देखेंगे कि जिस संगठन में रहे उस संगठन किस ऊंचाई तक ले और जहां भी उनका व्यक्तिगत कार्य रहा सेवा की भावना से काम किया। तो ऐसे कैंडिडेट को जिताने के लिए कांग्रेस जो भी अपना नीति करे तो हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन हम लोग का एक ही नीति और नीति है कि वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो विजयी हो। इसके लिए क्या करना है हम लोग उसके लिए तैयारी कर चुके हैं और वो तैयारी धीरे धीरे आवरण को आ रहे हैं और आएगी, क्योंकि यहाँ पर सब जानते हैं कि वैशाली नगर एक शांत प्रिय क्षेत्र है। पहले भी जो यहाँ पर रहे विधायक बहुत ही शांत प्रिय रहे, सब कुछ शांत रहा, कोई तरह की बात यहाँ पर नहीं हुआ, बात विवाद तो बात नहीं हुआ, वही सुरक्षित रहा। उसी तरह से जाते हैं वही इस पर जो पैमाना है उसी इसके वैशाली में शांत है। अब उद्योगपतियों का नेतृत्व करते हैं और वैशाली में विधानसभा में इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं, बहुत बड़ा वर्ग है, उद्योगपतियों की कुछ इश्यूज होते होंगे, विधायक बन जाएंगे तो कौन से इश्यूज होंगे जिस पर आप बात करेंगे? सबसे पहले इशू इनके लिए अब कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री 5 उद्योग 5 तो हमारा इशू था जो प्रदेश स्तर से लेकर के लोकल स्तर तक था, वो मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर दिया। अब जो लोकल स्तर पर है तो वो जैसे कि मान लीजिए अब नगर निगम का कोई इशू रहा नहीं, अब बच गया वैशाली नगर के उद्योगपति को विधि व्यवस्था कई रोड संरक्षण और जब भी समय पर कोई तरह की बात हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया, मुख्यमंत्री ने किसी भी तरह किसी फैक्ट्री में कहीं भी दबिश देते थे
रात दिन किसी भी तरह का वो सब चीज को खत्म कर दिया। वो सब चीज तो उद्योगपति की रहा ही है, इसीलिए तो उद्योगपति पूरे प्रदेश के उद्योगपति आज कांग्रेस के प्रति एकजुट होकर के बोलता है, यदि अपना बिजनेस बचाना है, यदि अपना व्यापार बचाना है, यदि अपना धंधा बचाना है, तो केवल कांग्रेस। आंकड़ा क्या रहेगा लीड का? आंकड़ा हम इसलिए नहीं बता सकते कि जो अभी जिसको जो मन होता है बोल देता है, क्योंकि बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता, टैक्स तो कागज में लगता है, बोलने में टैक्स लगता नहीं। लेकिन मुकेश चंद्राकर अच्छे वोट से निकलेंगे और बड़े चौंकाने वाला वोट रहेगा और कांग्रेस की फुल तैयारी। उपस्थित जनों ने गुलाब की पंखुड़ियों से मुकेश चंद्राकर पर बारिश की और विजय भाव का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रजमोहन सिंह, इरफान खान, गुरमीत धनई, भुवनेश्वरी रानी, निरंजन बिसाई, पार्षद लालचंद वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।